दिल्ली के रेड लाइट इलाके में अब एक भी सेक्स वर्कर्स नहीं है। क्या कोविड के बाद यहाँ रह रहे सेक्स वर्कर्स का पलायन हो गया है? ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है दिल्ली सरकार के फूड सप्लाई ऑफिसर का, जो कि मटिया महल इलाके के हैं। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने 28 अक्टूबर 2020 में राज्य की सरकार को आदेश दिया था कि वो सेक्स वर्कर्स तक सूखा राशन पहुंचाएं। कर रही हूँ, दिल्ली सरकार का जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, उनको रोज, एक दिन की बात नहीं है सर, रोज उन तक ड्राई राशन जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो क्या वो फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं आ रहे सर। 7 जून के बाद नहीं आए। तो सुना आपने, कैसे दिल्ली के पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं कि 7 जून के बाद से ही इन लोगों को राशन मिलना बंद हो चुका था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का राज्यों की सरकारों को दिया गया आदेश 28 अक्टूबर का है। दरअसल कोविड महामारी को देखते हुए इन लोगों के पास ग्राहक जाने से कतरा रहे थे। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े इनके कामों ने इन्हें भूखमरी की कगार तक ला खड़ा किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के हक में फैसला सुनाते हुए हर राज्य सरकार को इन तक ड्राई राशन पहुंचाने का आदेश दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के जीबी रोड इलाके में 20 बिल्डिंग्स में तकरीबन 84 कोठे काम करते हैं, जहां लॉकडाउन के बाद तकरीबन 750 सेक्स वर्कर्स रह रही हैं। लेकिन जब एक आरटीआई के तहत दिल्ली सरकार से ये पूछा गया कि ड्राई राशन बांटने का काम कैसा चल रहा है, तो ये जवाब मिला। इस लेटर पर साफ लिखा है कि वहाँ एक भी सेक्स वर्कर्स नहीं है, जबकि लॉ स्ट्रीट ने जब इलाके के एसएचओ से बात की तो पता चला कि वहाँ अभी भी कई सेक्स वर्कर्स रह रही हैं। दूसरा, क्या वो एकदम एरिया खाली हो चुका था कोविड के दौरान? बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। जो बिहार की, पश्चिम बंगाल की जो मेरी थी वो चली गई थी उस समय, बाकी कोई नहीं थी, बाकी सब थी वहाँ पे। तो फिर आम आदमी की सरकार होने की बात करने वाली दिल्ली सरकार सेक्स वर्कर्स के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? क्योंकि पहले भी खबरें आती रही हैं कि दिल्ली के सेक्स वर्कर्स ने केजरीवाल की सरकार से ये गुहार लगाई कि उन लोगों को समाज में इक्वल दर्जा नहीं दिया जा रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अनदेखा कर रही दिल्ली की सरकार ये इशारा कर रही है कि उसके लिए कोर्ट के आदेश कोई मायने नहीं रखते।